हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आपकी ख्वाहिश और मेरी मन्नत में। दोस्तों, सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट किया है, क्योंकि इस एक महीने में मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेस थी कि मतलब क्या होगा मेरे आगे के फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने में ही मुझे मतलब कुछ बनाने का, वीडियो वगैरह बनाने का मन ही नहीं करता था। तो इस वजह से मैंने इतना लेट आपको वीडियो का अपडेट दिया है। जैसा कि आप मेरी हुलिया देख सकते हैं, मैंने फेशियल किया है, मेरी दीदी ने किया है, क्योंकि आज मुझे शादी में जाना है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लगभग काफ़ी सालों बाद मैं किसी शादी में जा रही हूँ, इन्विटेशन आया है। तो अभी जैसे मॉर्निंग हो रहा है, मैं अभी अपने जॉब से आई हूँ, कुछ टाइम हुआ है, 1 घंटा हुआ है मुझे। तो फिर अभी मैंने अपना फेशियल किया है, फिर मैं थोड़े बाद नेल पेंट लगाऊंगी, अपने मैनीक्योर पेडीक्योर सब करूंगी, मैं सब आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, और आप सभी को पता है मुझे HRT के 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर बोलिएगा। कल मैं ऑलमैक हॉस्पिटल जाऊँगी अपने लेज़र के 4th सिटिंग के लिए, ठीक है? तो मैं उसका वीडियो भी आप सभी को शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप मुझे बताइए मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, वेश्या सॉरी भूतिया लुक। तो मैं जो जो आज एक्टिविटी करूँगी वो मैं सब आपको शेयर करूँगी। बेसिकली ये एक व्लॉग होने वाला है, और आज मैं क्या वियर करूँगी मैं वो भी आपको दिखाऊँगी, ठीक है? तो इस पूरे वीडियो में आप सभी को होप कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे, उसको एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे भी अब मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब की 1000 लोगों की फैमिली को ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं जल्द ही रात को रेडी होंगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे लग रही हूँ, ठीक है? तब के लिए मिलते हैं, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आई वॉश्ड माय फेस, मैंने अपना फेस धो लिया है। तो अभी जैसे मैंने फेस धो लिया है तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया, एकदम सिंपल सी हूँ मैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो चलते हैं फटाफट नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो मैं करने वाली हूँ। मैंने अभी जस्ट एक स्क्रब बनाया है, मैं आपको स्क्रब दिखा देती हूँ एक बार। तो ये है वो स्क्रब जिसको मैंने बनाया है चावल से, कॉफ़ी से, मिल्क एंड टर्मरिक पाउडर। सबसे मैंने मैंने जो है कच्चा चावल ले लिया था, उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने उसमें एक पैकेट जो छोटा सा होता है कॉफ़ी का, 2 रुपए वाला, वो मैंने डाला था। देन 1/2 टेबल स्पून हल्दी, देन पूरा एक मैंने लगभग 1 कप दूध डाला था। तो ये एक मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा स्क्रब होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब भी इसको नहाने से पहले लगाते हैं तो आपकी बॉडी एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये स्क्रब मैं गर्मी में पहले हमेशा लगाती थी, हफ्ते में 2 बार, लेकिन अभी जैसे ठंडियाँ है थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही थी काफ़ी लंबे टाइम से। बट आज सनी वेदर है, आज का जो वेदर है वो धूप है, आज बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो आज मैं लगाऊँगी। फ़िलहाल मैंने जो है पानी गर्म करने के लिए लगाया हुआ है यहाँ पर, तो ये पानी अभी गर्म हो रहा है, जिससे कि मैं अपना मैनीक्योर पेडीक्योर करूँगी। इसमें मैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लिक्विड डाल दूँगी, देन एक पाउच शैम्पू की, देन मैं उसे अपने हाथ पैर डिप करके रख दूँगी, तो मैनीक्योर पेडीक्योर हो जाएगा मेरा। प्लस मेरे पास एक रेडीमेड रेमेडी भी है स्क्रब की, जो कि वहाँ पड़ी हुई है, मैं दिखाऊँगी आपको, मैं उससे भी एक बार स्क्रब करूँगी हाथ पैर में, लेकिन पूरी बॉडी भी मैं वही वाली करूँगी जो मैंने बनाया है। तो आई होप कि आपको मेरे ये घरेलू नुस्खे पसंद आए होंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं क्या क्या करूँगी इस वीडियो में, मैं सब आपको शूट करके बता रही हूँ, एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे 8 मंथ्स हो चुके हैं HRT की, एंड आप में से कई लोग मुझसे मेरा एज पूछते हैं, मैं आपको अपना एज बता देती हूँ। मेरी एज 19 ईयर्स है, मैं 19 साल की हूँ, और इस बार मैं 3 अगस्त को मैं हो जाऊँगी 20 साल की, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट आगे स्टेप में जो मैं करने वाली हूँ। बाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए बाल्टी में शैम्पू, गर्म पानी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिक्विड्स के 2 ढक्कन डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे फटाफट से जो है वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अदरवाइज। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पैर हाथों को डिप करके उसको थोड़ा सा मतलब कि रगड़ा बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसको रगड़ रही हूँ, ताकि जो थोड़े जो भी हमारे शरीर में डर्ट होते हैं, गंदगी होती है, वो निकल जाती है। और यहाँ पे मैंने जो है फाइलर ले लिया है, तेल करने के लिए बहुत सारे औजार होते हैं,
तो फाइलर मैंने ले लिया है और मैं जो है अब सब दाखों को साफ कर रही हूँ और मैं अपने पैरों के दाखों को भी साफ करूँगी अच्छे से, क्योंकि पैनिक वाल की सबसे पेंटिंग यही होता है कि अपने पैरों को अच्छे तरीके से साफ करें। तो हम अपने पैरों के नाखूनों को साफ कर रही हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पैरों के नाखूनों को अच्छे से साफ कर रही हूँ ताकि जब मैं अपने नेल पेंट्स वगैरह लगाऊँ तो मेरे पैर बहुत सुंदर लगे देखने में, क्योंकि आज जो मुझे है हील्स वगैरह कैरी करनी है, तो इस वजह से मैं पैरों को खोद खोद के साफ कर रही हूँ। मैं वैसे भी मेरा जूता वगैरह पहनती हूँ, सॉक्स वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी नाखूनों के साइड साइड में जो है जमा हो जाती है। तो इस वजह से मैं पैरों को जो है अच्छे तरीके से साफ कर रही हूँ, देख सकते हैं। मैंने कर लिया अच्छे साफ, यहाँ पर लीज आ गई थी बीच में। तो यहाँ पर मैं जो स्क्रब लगा रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, ये एक स्क्रब है जो कि पपाया से बना हुआ है। इसमें काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल से डॉट्स, क्या बोलते हैं उसको, जिसे चावल को जैसे मैंने ग्राइंड कर दिया था अपने मिक्सचर में, तो उसी तरह से थोड़े छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि मैं जब स्क्रब करी तो मेरे थोड़े चुप गए थे, क्योंकि स्क्रब में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप स्क्रब करते हैं तो थोड़ा दानेदार होना चाहिए। तो इसलिए अपने पैर हाथों का अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ, ये मैं खड़ी हो गई हूँ, पैर हाथों का स्क्रब कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मैं कितनी पतली हो गई हूँ। अब हाथों की बारी आ गई है, मैं हाथों का स्क्रब कर रही हूँ अच्छे से। देखिए मेरे हाथ भी कितने पतले पतले हो गए, अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ। और स्क्रब करते वक्त जब मैं इसको रगड़ रही थी बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में लग भी रहा था, कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ड था। तो मैंने स्क्रब को मुश्किल से 5 मिनट रखा होगा, फिर मैंने उसको वॉश कर लिया अच्छे से। मुझे तो स्क्रब करने के बाद उससे कुछ लगा नहीं कि हाँ मेरी स्किन 1 और 2 शेड फेयर। हाय गाइस, तो मैंने अच्छे से नहा लिया है, मैंने अपने मुझे पिछले क्लिप्स में देखा होगा कि मैंने स्क्रब लगाया, देन थोड़ी देर वेट करके मैंने वो स्क्रब वॉश किया, तो ये मैं नहा चुकी हूँ। और जो मैंने अपना खुद का होम रेमेडी वाला स्क्रब बनाया था मिल्क कॉफ़ी एंड ड्राइस एंड टर्मरिक पाउडर से, वही मैंने नहाते वक्त अप्लाई किया। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जो वीडियो शूट कर रही हूँ उससे मैं बेसिकली नेल पेंट लगाऊंगी। तो मेरे पास 2 कलर के नेल पेंट हैं, मैं आपको शो करवाती हूँ। एक ये है, आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन है ये, तो मैं एक ये वाला अप्लाई करूँगी। और दूसरा है ये जो ग्लिटर नेल पेंट है, मैं जब दोनों लगा लूँगी तो मैं आपको अपना हैंड ज़रूर दिखाऊँगी, मैं पैरों में भी लगाऊँगी, मैं आपको ज़रूर शो करूँगी कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हालांकि मुझे नेल पेंट करते वक्त वीडियो शूट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं जो है अगर नेल पेंट लगाने के बाद आपको अपने हैंड ज़रूर शो करूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा वो रहेगा बस मेरा रेडी होना, मैं रेडी होकर आपको फिर लास्ट क्लिप शो करवाऊँगी और एक बार शादी का व्यू आपको दिखा दूँगी कैसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर म्यूज़िक वगैरह आ जाएगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मेरे ऊपर, जैसा कि मेरे एक पहले ही वीडियो में आ चुका है। तो मैं बार बार कॉपीराइट का खतरा अपने चैनल पर नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको अगर शादी का जो हॉल है वो भी दिखा दूँगी पूरा। तो मिलते हैं नेल पेंट लगा के, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, मैंने नेल पेंट लगा लिया है, आप देख सकते हैं, दिस इज माय नेल पेंट। अच्छा, दिस इज माय बाबू, छोटी सी जब से बोले ही जा रही है, हाय बोलो। एंड ये जो मैंने पहना है ये आज का आउटफिट है, आप देख सकते हैं मेरे पास स्टैंड नहीं है, मुझे हाथ से दिखाना पड़ रहा है। तो एक क्रॉप टॉप है, एक जीन्स है एंड ऊपर से ये डेनिम है, एंड ये नीचे जो सैंडल है मैं पहनूंगी। अब मेकअप करना बाकी है थोड़ा सा, अब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सो उठ के मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब एक बार मैं रेडी हो जाऊंगी तो मैं आपको फिर कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगी। ओके, तो मिलते हैं रेडी होने के बाद, बाय।
तो फ्रेंड्स अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप मुझे बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। मेरी दीदी ने मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मेरा मेकअप फटाफट से कर दिया, एकदम घस दिया ब्रश मेरे मुँह पे। बट मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी दीदी बहुत लेट आई थी, लगभग 9:30 बजे तक, और हम घर से निकले ही थे 9:30 बजे, और जाते ही हमारे जाते ही गाना बंद। मुझे नाचने का इतना मन था शादी में, बट हमारे जाते ही गाना बंद। बहुत गुस्सा है मुझे, और मेकअप में जो दीदी ने मुझे लगाया है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया है, दैन थोड़ा सा फेस पाउडर, देन ब्लशर लगाया है आइज़ के ऊपर एंड चिक्स पे, थोड़ा सा चिन पे लगाया है। बस ये रहा शादी का हॉल, जो कि शादी का मैनेजर ने मुझे इतना खास नहीं लगा, बड़ी खस्ती सी शादी थी, जो सुर्खी ढंग का थोड़ा बहुत मतलब खाना सही था, बट मैनेजमेंट से डेकोरेशन वगैरह इतना अच्छा नहीं था। और हमारे जाते ही गाना बंद हो गया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आगे मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे रोक लिया था, एंड मैं आगे और भी नहीं इसलिए जा पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो मुझे शूटिंग करने में शर्म सी आ रही थी। यहाँ पर हमें देख सकते हैं मेरी नीज़ है, छोटी सी बच्ची जो कि हमें बहुत शरारत कर रही है। यहाँ पे जो फूल बिखेरने वाली लड़कियाँ होती हैं, जो स्वागत करती हैं, उनके फूल बटोर के ये भी स्वागत करने में लगी हुई थी। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शरारत कर रही है पागल लड़की, आप देखिए इसकी हरकतों को। मैं इसको बोल बार बोल रही हूँ, देखो देखो कैमरे में, देखो देखो, बड़ी अपने में मगन हो रखी है। अभी देखिए देख। सो फ्रेंड दिस इज़ गाजर का हलवा, जो कि मैंने 2-2 बार लेकर खाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाजर का हलवा। ये मेरी बहन, ये उसका बंदा, और मैं सिंगल यहाँ घूम रही हूँ शादी में। आप थोड़ा सा देख लीजिए खाना वगैरह, हालांकि खाना तो ठीक था बट मैनेजमेंट वॉज नॉट गुड। आप देख ही सकते कितनी अधूरी सी शादी है, बिल्कुल भीड़ नहीं, ऊपर से सफाई भी नहीं है, देखिए कितनी गंदगी मची हुई है। और मुझे लिटरली ऐसे शादी में आज तक नहीं गई, मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, बट खाना ओवरऑल ठीक था, मुझे खाने से मैं सेटिस्फाई हूँ, कोई शिकायत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है बड़ी वाली। आप बताइएगा ये कैसी लग रही है, हम दोनों में अच्छा कौन लग रहा है। ये मेरी नीज है, भतीजी छोटी सी, भांजी भतीजी भांजी, और ये मेरी है मेरे से बड़ी वाली बट इनसे छोटी वाली बहन, और ये मेरा दोस्त। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी क्यूट सी फैमिली को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको आप सब ज़रूर बताइएगा। मैं माफ़ी चाहूँगी मैं आपको हॉल का पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई, बिकॉज इधर बहुत सारे लोग थे जो कि मुझे ही देख रहे थे, तो मुझे थोड़ी शर्म आ गई, तो मैं पूरे हॉल का नहीं बना पाई वीडियो। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट हाउ एम आई लुकिंग। आप मेरे को कमेंट ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। आप सभी को मेरे वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कल जैसे कि मैं अपने ऑलमेक हॉस्पिटल जाने वाली हूँ लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, कल का वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप सब लोग कल का वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद लगभग 1 महीने मैंने गैप कर दिया था लेज़र में, तो आई एम गोइंग आफ्टर 1 मंथ। तो देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।